ओके तो आज मैं बात करने वाला हूँ एयर मैक्स 1 OG 86 बिग बबल। दिस इज द एयर मैक्स डे स्पेशल एडिशन स्नीकर। मैं आपको कहूंगा ये मिस मत करना। व्हाई इट इज कॉल्ड बिग बबल आपको आगे जाके पता लगेगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। This is me Achin Chawla and अगर आपको sneaker पसंद है तो trust me आप सही जगह आए हैं। Do consider subscribing this channel and आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। Links आपको description में मिल जाएंगे। So let's go. Thank you to Toebox for this sneaker. आप Toebox को जाके follow कर सकते हैं। They are resellers. आपको कोई भी sneaker needs हो, just go to them. They are actually my friends. I really want to support them because they support me like crazy. जल्दी से जाके follow करो and let's continue the video. ओके तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि एयर मैक्स डे के स्पेशल एडिशन है। मैं बताऊंगा कि व्हाई दे आर सो टॉक्ड अबाउट। अब जान लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे पता है कि इसका नाम है एयर मैक्स 1 OG 86 बिग बबल। तो इसको बिग बबल क्यों कह रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको जो एयर यूनिट है वो जो नॉर्मल एयर मैक्स 1 से है उससे थोड़ा बड़ा दिखेगा। जिन्होंने इतना एयर मैक्स नहीं देखा उनको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं लग रहा होगा, बट फॉर द वन who has been wearing and have Air Max 1 उनके लिए काफी uncomfortable होगा एकदम से इतना बड़ा air unit देखने से। Why these are so talked about? क्योंकि this is the one which is like आप समझ लो कि OG से भी OG है। तो this was how Tinker Hatfield intended and this was the first design of Air Max 1। जो हम Air Max 1 वैसे देखते हैं that's not the first release। इससे पहले भी 87 में जो Nike Air Max 1 जो हम देखते हैं वो release हुए थे, जो 86 में they made 400,000 pairs and mid production उनको पता लगा कि there was a major flaw। तो वो मेजर फ्लॉ था कुछ वेदर कंडीशन में द एयर यूनिट वॉज क्रैकिंग। मिड प्रोडक्शन नाइकी हैड टू जस्ट स्टॉप द प्रोडक्शन एंड रीडिजाइन इट। फिर बाद में 87 में एयर मैक्स 1 आए तो उसमें आप देखोगे जो एयर यूनिट है वो स्टैंडर्ड जो हमने आज तक देखा है वो वाला एयर यूनिट आपको उसमें दिख जाएगा। दिस वॉज द वन, दिस इज द 86 वन ओरिजिनली जैसे इंटेंट था टिंकर हैटफील्ड का। सो टिंकर हैटफील्ड इज अ स्नीकर डिजाइनर। आपको अगर उनके बारे में और जानना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको पूरा उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट फॉर नाउ आप इतना जान लो कि टिंकर हैटफील्ड डिजाइन द स्नीकर। इट वॉज अ रेवोल्यूशन। It featured the first visible air unit, जो first air जिसमें use हुए थे उनका नाम I think so Tailwind था, but this was the one which first showed the exposed air unit। Rest आपको पता है कि हम अभी तक वो Air Max देख रहे हैं। These are special because of this। Okay तो अब चलते हैं detailed review पे। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं box के बारे में क्योंकि I absolutely love The box। मैं सच्ची बता रहा हूँ अगर मुझे खरीदना है ये तो बॉक्स इज द बिगेस्ट रीजन। स्नीकर से ज्यादा बॉक्स की वजह से ये स्नीकर्स ले सकता हूँ। लिटरली दीज बॉक्स आर फायर। ये OG बॉक्स नहीं है जैसे पहले था, ये भी काइंड ऑफ जो आजकल जो लॉस्ट एंड फाउंड आप देख रहे हो, रीइमेजिन देख रहे हो, वैसे वाला कॉन्सेप्ट लिया हुआ है इस बॉक्स में। थोड़ा ओल्ड विंटेज लुक दिया हुआ है इसको। माई फेवरेट डिटेल्स ऑन दिस इज द एयर यूनिट जो इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, जो मिमिक कर रहा है जो बबल हैं स्नीकर्स में, विच इज द कूलेस्ट डिटेल ऑन दिस बॉक्स टू बी रियली ऑनेस्ट। और आपको ऊपर जो है ट्रांसपेरेंट नाइकी का लोगो मिल जाएगा, उसके अंदर प्लास्टिक है। आपको यहाँ पे भी पीछे भी सेम ऐसे एयर बबल वाला मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नाइकी का लोगो मिल जाएगा विच लुक्स रियली गुड। आई डोंट नो, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, ये जैसे रेड रेड में नाइकी बीच में लिखा हुआ है, दिस लुक्स अमेजिंग। आपको पीछे यहाँ पे भी ऊपर नाइकी दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सारी इन्फो मिल जाएगी, ऊपर आपको नाइकी लिखा हुआ दिख जाएगा। दिस वॉज अबाउट द बॉक्स। तो अब अनबॉक्स करते हैं इसे, लेट्स गो टू द स्नीकर्स। सो दीज आर द स्नीकर गाइज एंड दिस लुक्स अमेजिंग। जिनको आदत है एयर यूनिट छोटा देखने की उनके लिए दिस वॉज रियली अनकम्फर्टेबल, बट मुझे इतनी आदत नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट। मेरे पास एयर मैक्स बहुत कम ही है, मैंने बहुत देखे हैं बट मैं खरीद नहीं पाया। सो आई एक्चुअली रियली लव दिस ज्यादा। आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होगा ओपिनियन। तो पहले बात करते हैं अपर के बारे में। तो अपर में आपको रेड कलर का सिंथेटिक स्वेड मिल जाएगा विच इज कॉल्ड आई थिंक सो फेल्ट मटीरियल। आपको
ग्रे वाला भी है, वो भी सेम मटेरियल में मिल जाएगा। एक आपको मेश मटेरियल मिल जाएगा व्हाइट कलर का। आपको ऊपर सिल्क फील में जो मटेरियल मिल जाएगा वो काफी शाइनी है, तो आप देख सकते हैं, विच इज माई फेवरेट मटेरियल इन दिस वन, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं टंग की, तो टंग भी आपको मेश मटेरियल में मिल जाएगा और ऊपर आपको साइड में वही सिल्क मटेरियल मिल जाएगा, विच फील्स रियली ग्रेट। और ऊपर आपको नाइकी एयरमैक्स लिखा हुआ दिख जाएगा, ऑरेंज कलर में है, इट्स नॉट इन रेड कलर। आपको साइड में जो लास्ट वाला हाईलाइट है उसमें आपको टीपीयू मटेरियल दिख जाएगा। आपको पीछे नाइकी और एयर जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड दिख जाएगा, विच लुक्स रियली गुड। सॉक लाइनर जो है वो फेयरली पैडेड दिख जाएगा। एंड आपको यहाँ पे 10 लिखा हुआ दिख जाएगा, विच इज द साइज। आपको अंदर नाइकी एयर लिखा हुआ दिख जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट दी अपर। तो अब चलते हैं और बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जो कि है मिडसोल। तो मिडसोल आप देख सकते हैं, इट हैज गॉन चंकी बिकॉज ऑफ द मैसिव एयर यूनिट। मतलब इट्स एक्चुअली रियली ह्यूज, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो नॉर्मल जो आप एयर यूनिट देखते हो नाइकी एयर मैक्स 1 में अभी, और इसमें काफी फर्क है। जो मिडसोल है पॉलीएथिलीन मटेरियल में है, विच इज एक्चुअली रियली कंफर्टेबल। यहाँ पे भी आपको दो स्लिट दिख जाएंगे जहां से एयर यूनिट आपको दिख जाएगा। मिडसोल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा आउटवर्ड की तरफ प्रोट्रूड है, तो थोड़ा सा शेप में डिफरेंस है। आप वैसे देखोगे तो ओवरऑल भी शेप में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। तो अब बात करते हैं आउटसोल की, विच इज प्रीटी मच द सेम। तो यहाँ पे आपको नाइकी और एयर लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आपको आउटसोल ब्लैक व्हाइट और उसमें रेड के हिट्स दिख जाएंगे आपको। सो दिस वॉज अबाउट मटीरियल्स एंड एवरीथिंग अबाउट द स्नीकर। ओके, तो चलते हैं मेरे ओपिनियन की तरफ। आई एम एक्चुअली रियली इम्प्रेस्ड विद नाइकी फॉर डूइंग दिस। नाइकी परफेक्टली नेल्ड इट, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी टेलिंग वॉज परफेक्ट। एक बार इसको पहन के देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। देख लिया होंगे, इट लुक्स रियली गुड एंड इट एक्चुअली फील्स रियली कंफर्टेबल दैन दी ओजी नाइकी एयर मैक्स 1। मेरे को वो पैर वैसे ज्यादा इतने कंफर्टेबल लगते नहीं है, दिस इज मोर कंफर्टेबल देन दैट आई कैन से, क्योंकि यू गेट अ बिगर एयर यूनिट। तो साइजिंग की अगर मैं बात करूं, इट फिट्स ट्रू टू साइज। नाइकी के स्नीकर्स मोस्टली फिट्स ट्रू टू साइज। तो अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जो की है इसका प्राइस। जो इसका रिटेल था वो था 14,000, बट द रीसेल वैल्यू अभी इतना ज्यादा नहीं होगा। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट फॉर द हिस्ट्री। बट अगर आपको नहीं फर्क पड़ता, इफ यू आर नॉट अ स्नीकर हेड एंड यू जस्ट वॉन्ट अ नॉर्मल एयर मैक्स 1, तो आप सीधा सिर्फ नॉर्मल एयर मैक्स 1 जो साइट पे मिल जाते हैं, जो नॉर्मली मिल जाते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। आई थिंक जो स्नीकर हेड्स हैं उनको ये बिल्कुल नहीं मिस करने चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द स्नीकर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, तो आप वो जरूर दबा के जाना, ताकि आप ऐसी वीडियोस कभी ना मिस करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।